आईएमएफ पाकिस्तान की पेशगी इकदामात से मुतमईन ना हो सका, हुकूमत ने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए। शराय सूद में मजीद इजाफे का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक आईएमएफ की जानब से शराय सूद में कम अज कम 2% इजाफे के लिए दबाव डाला जा रहा है। स्टेट बैंक शेड्यूल से पहले ही 4 अप्रैल को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास बुलाएगा। इजलास में शराय सूद का जायजा लिया जाएगा। आईएमएफ ने शराय सूद में 4% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया था। पाकिस्तान ने इजाफे से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुहैदा 9 फरवरी को होना था। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, आवाम शदीद परेशान। मुफ्त आटा स्कीम से आटे का उसूल मुश्किल से मुश्किल तर। भावलपुर में बल्दिया रोड पर सरकारी आटा सेल पॉइंट पर बद इंतजामी। भगदड़ से 5 खवातीन जख्मी, 1 की टांग टूट गई। इलाका मकीरों का एहतजाज। पंजाब में अफरा तफरी के मुख्तलिफ वाकियात में अब तक 3 अफराद जा बहक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की जानिब से बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की जमानत मंजूर होने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की जमानत मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत। अदालत ने NAP और एंटी करप्शन को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट को ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सबर और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ्फुज करेंगे। ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस के चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सदर और जजेस के फोन टेप हो रहे हैं। माजी में फोन टेप करने पर असेंबलियां खत्म हुई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं ये किसी की भूल है, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होगा। तोशाखाना का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। तहाइफ देने वाले ममालिक और मेहमानों के नाम भी सामने लाने की हिदायत। रिकॉर्ड मंजर आम पर न लाने का वफाकी हुकूमत का एतराज मुस्तर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हसन नियाजी समेत कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। ट्वीट में लिखा, हसन नियाजी को जमानत मिलने के बाद अगवा किया गया। हसन नियाजी का नाम एक और FIR में गलत डाला गया। मुल्क में फासिज्म और जंगल का कानून है। इमरान खान आज 4:30 बजे खिताब करेंगे। इमरान खान के फोकल पर्सन हसन खान नियाजी के जिस्मानी रिमांड पर दायर अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। ये अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को तोहफा दिया है, करोड़ों अरबों टन जो यहाँ पर मदफन है, उसको इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है। यहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। यहाँ पर हर तरफ तरक्की मंसूबे, कारखाने वो लगेंगे। घर में तरक्की और खुशहाली कर मंसूबे का आगाज हो चुका है। ये सफर पूरे पाकिस्तान की तरक्की का मौजब बनेगा। नए बिजली मंसूबों का इफ्तिताह खुशी का बायस है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई पावर प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। कहा, शंघाई इलेक्ट्रिक मंसूबे से 1320 मेगावाट बिजली मिलेगी। थर एक सहरा था, रेतीले मैदानों में हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। हजारों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। जब भी कोई अच्छा काम होता है उसका तंकीद होता है, तो कुछ ऐसे साजिशी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नेगेटिव कमेंट्री करते हैं। तंकीद का सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही थरकोल का इनिशिएटिव है। जब हम मिलके काम करते हैं तो उस मेहनत का फल भी मिलता है और उस फल का फायदा मेरा और आपका नहीं, इस मुल्क की आवाम को होता है। खुशी है वजीर आजम थर में मौजूद हैं। विफाक और सूबे मिलकर काम करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, थर बदले का पाकिस्तान का नारा हकीकत में तब्दील हो रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। थर कोल कोयले की कान और बिजली पैदा करने का मनसूबा है।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब, कौमी इदारों की तकरीम, अमन व अमान, दहशतगर्दी, मौशी पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीलियों और खारजा पॉलिसी पर बहस होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सदारत करेंगे। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की आवाज पर लबैक कहता है, हुकूमत ऐसा कदम ना उठाए जिससे सियासी बहरान संभाला ना जा सके। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहते हैं सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। बोले हुकूमत विकेट उठाकर भागे नहीं, मुकाबला करे। इलेक्शन होंगे या जूडो कराटे, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। शेख रशीद कहते हैं मुल्क की बका इलेक्शन में है, सारी मंसूबाबंदी इमरान खान को दीवार से लगाने की है। इमरान खान और उनकी पार्टी को ना अहल या कलदम करार देना आसान नहीं होगा। एहतसाब से बचने के लिए सहारे लिए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा अताउल्ला ताड़र कहते हैं कि इमरान खान साजिशें करने में मसरूफ हैं। तोशा खाना का मामला रोज रोशन की तरह आया होता है। इमरान खान ने इक्तदार जाता देख कर फराह खान को दुबई फरार करा दिया। हमने कभी इंतजार की सियासत नहीं की, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इंतजार वो चाहते हैं जो इंतखाबात में ताखीर कर रहे हैं। अली जैदी की तनकीद, बोले इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पीडीएम ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ये हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन गई है। इशारे मिले हैं हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराने की कोशिश करेगी। बज़ाहिर हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन करार देने का फैसला कर लिया है। साबिक अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट, लिखा इलेक्शन से रोकने और पीटीआई पर पाबंदी की कोशिश की जाएगी। खबरदार, क्या ऐसे इकदाम से पाकिस्तान मजीद बहरान का शिकार हो जाएगा? मौजूदा हुकूमत के इकदाम जारी रहे तो पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा। दो पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। इमरान खान साहब, आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सर के बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा। कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है, आपको प्रोड्यूस करना है। इमरान खान की अदालत में पेशी का मुतालबा करने वाले खुद पेश ना हुए। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, हमदर्द शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त कमर की तकलीफ के बायस मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना हासिल है। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने डीसी लाहौर को शराइत और जवाबत में तरमीम का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने जलसे की कामयाबी और दीगर उमूर पर मुशावरत के लिए जमात पार्क लाहौर में इजलास तलब कर दिया। हमारी माओं को, बहनों को, बच्चों को वरगलाकर अपने मजमूम मकासद और नापाक अजाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इतलात की बुनियाद पर 17 फरवरी को रात 9:05 पर एक खातून जो बलोच महल बलोच जिनका नाम था, उन्हें खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान वजीर अला बलोचिस्तान और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस, DIG CTD ने बताया महल बलोच को खुदकुश जैकेट समेत गिरफ्तार किया गया। महल को बरगलाने वाले यूसुफ बलोच हैं। वज़ीरे आला के तर्जुमान कहते हैं कलबन तंजीमें ख्वातीन और बच्चों को इस्तेमाल कर रही हैं। महल बलोच केस की तहकीकात जारी हैं। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में 80 करोड़ रुपए की करप्शन के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफीर खुर्रम राठौर को वापस बुला लिया गया। कोपेनहेगन में तैनात सफीर अहमद फारूक को रियाद भेजने जाने का इम्कान। मलेशिया में तैनात आमना बलोच को यूरोपियन यूनियन के लिए सफीर मुकर्रर कर दिया गया।